हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है चंदा देसी किचन में। छोटे बैंगन का भरता कढ़ाई में बनाएंगे, तो चलिए बैंगन का भरता बनाना स्टार्ट करते हैं। भरते के लिए 6 छोटे बैंगन ले लिए हैं, टमाटर 10 से 12 कली, लहसुन, मिर्च। अब बैंगन को स्ट्रेट कट कर लें। ऐसे कट करके बैंगन को चेक कर सकते हैं खराब है कि नहीं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, फैला लेंगे। गर्म होने के बाद बैंगन डाल देंगे। बैंगन डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे, ढक देंगे। अब ढक्कन हटाकर बैंगन को पलट लेंगे। बैंगन को 2-2 मिनट पर पलटते रहेंगे, ढक देंगे। ढक्कन हटाकर बैंगन को पलट लेंगे। अब इसमें लहसुन और मिर्च डालेंगे, कवर कर देंगे। 2 मिनट लहसुन और मिर्च को सेकने के बाद अब सिक गया है तो निकाल लेते हैं प्लेट में। बैंगन को थोड़ी देर और सेकेंगे ताकि और सॉफ्ट हो जाए, कवर कर देंगे। कवर हटाकर बैंगन को चेक करेंगे, बैंगन पक गया है, प्लेट में निकाल लेंगे। अब एकदम देखिए सॉफ्ट हो गया है बैंगन हमारा। सॉफ्ट होने तक ही बैंगन को सेकना है। थोड़ी देर ठंडा करके बैंगन का छिलका इस तरह उतार लेंगे। इस तरह हाथों से बैंगन को अच्छी तरह से मसल लेंगे। इस तरह से मसल लेना है। भरते के लिए 2 प्याज लिया है। प्याज, टमाटर, अदरक, धनिया और भुना हुआ लहसुन मिर्च सभी को कट करके ले लिया। मसालों में 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, तड़के के लिए जीरा ले लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई में अब 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, चटकने तक पकाएंगे, प्याज डालेंगे, सभी को चला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, प्याज को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भूनना है, उससे ज़्यादा नहीं। प्याज भुन गया है, अब मसाले डालेंगे। मसाले में 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक देंगे। ढक्कन हटाएंगे, मसालों को 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद उसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को सभी के साथ मिला लेंगे। नमक डालेंगे, आप अपने स्वादानुसार नमक डाल लेना। सभी को मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे, थोड़ा चला लेंगे। टमाटर सूखा लग रहा है, थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। सभी को मिक्स कर लेंगे, ढक देंगे। टमाटर को 2-3 मिनट पकाएंगे सॉफ्ट होने तक। अब तेल अलग हो रहा है टमाटर और मसालों का। अब मसाला भून गया है, मैश किए हुए बैंगन डालेंगे, मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। भुना हुआ लहसुन और मिर्च को डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। 2-3 मिनट बैंगन को मसालों में पकाना है। लास्ट में थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे। 7 से 8 मिनट में बैंगन का भरता बनके रेडी है। बैंगन के भरते को प्लेट में निकालते हैं। थोड़ा उसमें देसी घी ऐड कर लेंगे और रोटी और पराठा के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। तो आप इस तरह बैंगन का भरता बनाइए। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।